की जो यील्ड है या उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आपको ऑफर किया जा रहा है इंटरेस्ट रेट दैट इज़ स्मॉलर एज़ कम्पेयर टू द लॉन्ग टर्म बॉन्ड सो दिस इज़ यूजअली वॉट इज़ द नॉर्मल फिनमिना इज ऐसा यूजअली होना चाहिए और दिस इज़ वॉट वॉट इज नॉर्मली हैपन्स दिस इज वॉट नॉर्मली हैपन्स इन एन इकोानमी वेन इकोनॉमी इज मूविंग स्मूथली एंड वी सी प्रॉस्पेरिटी एंड गुड थिंग कमिंग इन फ्यूचर बट समाइम्स हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट ऑफ़र की जा रही है लॉन्ग टर्म बॉन्ड में मोरलेस आपको सेम इंटरेस्ट रेट ऑफर की जा रही है या उसमें बहुत थोड़ा सा फ़र्क है या ये भी हो सकता है कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट आपको ऑफ़र की जा रही है वो शॉर्ट टर्म बॉन्ड की इंटरेस्ट से कम हो जाए ऐसे के सिचुएशन में ऐसा सिचुएशन कब होता है जब हम देख रहे हैं कि जो इन्वेस्टर है या जो आपको बॉन्ड इशू करने वाली बॉडी है वो फोर्सी करें कि हमारे लिए जितना इंटरेस्ट अभी शॉर्ट टर्म एक साल दो साल में देना पॉसिबल है लोगों को लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियली थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी ओके बहुत अच्छी सूरत हाल नहीं होगी लिहाजा हो सकता है कि हम इतना इंटरेस्ट नहीं दे पाएंगे लॉन्ग टर्म में तो वो आपको प्रॉमिस करते हैं शॉर्ट थोड़ा इंटरेस्ट रेट को लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के ऊपर तो ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन है ये डिपेक्ट करती है कि थिंग्स फाइनेंशियल टर्म्स में या इकोनॉमी की ऑन द होल सिचुएशन इज़ नॉट गुड तो ये आपको अलार्मिंग सिचुएशन कोई चीज़ को साइन पोस्ट करिए निशानदेही करिए कि कुछ अच्छे वाले हा बात या हालात फ्यूचर में नहीं होने जा रहे इस, इसी चीज़ों को मदनज़र रख के हमने देखा कि डिफरेंट फाइनेंशियल इकॉनमिक्स इकनॉमिक्स के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि जब भी आपको लॉन्ग टर्म बॉन्ड की यील्ड शॉर्ट टर्म बॉन्ड की यील्ड के बराबर या उनसे छोटी होते हुए देखने को मिल रही है तो उसके चंद अरसे के बाद थोड़े अरसे के बाद रिसेशन ऑब्जर्व किया गया है सो पास्ट हाफ सेंचुरी के अंदर जितने भी इकोनॉमिक रिसेशन्स आए हैं सवाए एक के आ, सभी में ये हुआ कि जो लॉन्ग टर्म यील्ड्स थे वो कम हो गए एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म यील्ड्स एक ज़माने में और उसके फ़ौर बाद उस पर्टिकुलर इकॉनमी के अंदर रिसेशन ऑब्जर्व की गई है सो जस्ट टू इलास्ट्रेट दिस पर्टिकुलर पॉइंट के कैसे बॉन्ड मार्केट की जो एब्नॉर्मल बिहेवियर है जिसको हम इनॉमली ऑफ इन द बॉन्ड मार्केट बोल सकते हैं वो फोर सी करती है या फोरकास्ट करती है कि कैसे फ्यूचर में रिसेशन आने वाली है सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आपकी कैपिटल मार्केट की मूवमेंट्स आपको फ्यूचर में रिसेशन ऑब्जर्व करने वाले हैं या रिकवरी है या एक्सपेंशन है इकोनॉमी के वो सब चीज़ें आपको फोरकास्ट करके दे रहे होते हैं सो so, uh, जैसे अर्ली 2006 में हम सबको पता है 2007 में देर वॉज अ फाइनेंशियल रिसेशन देर वॉज रिसेशन पर्टिकुलरली इन द डेवलप्ड इकोनॉमीज़ यूके में यू में एक काफ़ी सीरियस किस्म की रिसेशन आई थी 2007 में तो इस पर्टिकुलर चीज़ को एम्फोसाइज़ करने के लिए द लिंक बिटवीन दिस एनॉमली इन द बॉन्ड मार्केट एंड हाउ इट हेल्प्स आस इन डिटेक्टिंग दैट द रिसेशन इज कमिंग सून को देखने के लिए हमने ऑब्जर्व यहाँ एग्जाम्पल के लिए मैंने आपके सामने डेटा शो करने जा रही हूँ जिसमें टू थाउजेंड सिक्स के बिगनिंग के अंदर देर व टेन ईयर बॉन्ड्स जिसमें आप देख सकते हैं इस टेबल के अंदर कि यहाँ फाइव ईयर के ट्रैजरी बॉन्ड्स uh, की यील्ड दी गई है फोर पॉइंट नाइन फोर परसेंट फिर टेन ईयर की हील्ड uh, बताई गई है 5.05 दिस इज द एक्चुअल डेटा दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम ब्लूमबर्ग डॉट कॉम और ये डेटा मे 26 2006 का है सो so, पाँच साल में मेचोर होने वाले बॉन्ड्स के ऊपर यील्ड जो एक्चुअल यील्ड था मे 26 को इट वाज़ 4.94 10 दस साल की मेच्योर होने वाली बॉन्ड्स के ऊपर जो हील्ड ऑफर आ रहा है दैट इज़ लेकिन जब आप उसको फाइव ईयर ट्रिपल ए बैंक एंड फाइनेंस के ऊपर देख सकते हैं तो इट इज़ अगैन फाइव पॉइंट फाइव एट टेन ईयर ट्रिपल ए बैंक एंड फाइनेंस के ऊपर आपको फाइव पॉइंट नाइन वन देख रहा है तो आपको देखने को मिल रहा है कि शॉर्टर टाइम पीरियड लॉन्ग टाइम पीरियड दोनों के ऊपर जो यील्ड आपको प्रॉमिस किए जा रहे हैं या यील्ड ऑफर किए जा रहे थे ऑन मे ट्वेंटी सिक्स टू थाउजेंड सिक्स उनमें बहुत स्लाइट से डिफरेंसेस हैं जो कि समथिंग अन है या अनॉर्मली कह सकते हैं इसको क्योंकि हमने देखा है हमेशा जब आप लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए पैसे इन्वेस्ट करते हैं या बॉन्ड बाय करते हैं जो कि 10 साल में मच्योर होने वाला है उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट ऑब्वियसली हाई होता है एज़ कम्पेयर टू फाइव ईयर्स या उससे छोटे टाइम पीरियड में मचोर होने वाले बॉन्ड्स के लिए तो जैसे कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि आप देख सकते हैं कि फ़ाइव ईयर और टेन ईयर में कोई ख़ातिर ख्वाह फ़र्क नहीं है एक फोर पॉइंट नाइन फोर है दूसरा फाइव पॉइंट जीरो फाइव है सो so इसके बाद इट वॉज़ ऑब्जर्वड एवरीबडी ऑब्जर्व एंड एवरीबडी सॉ दैट द रिसेशन केम सो दिस इज़ एन इंडिकेटर दैट हेल्प्स आस इन डिटेक्टिंग के फ्यूचर में इकॉनमी किस तरह से बिहेव करने वाली है वहाँ रिसेशन आ रही है या जो भी बिजनेस साइकिल के डिफरेंट फेजिज हैं आपको कैपिटल मार्केट के मूवमेंट से उनका अंदाजा हो जाता है